दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप बिजली बिल जमा करते हैं ऑनलाइन तो यहाँ पे आपको 2 से 2.5% तक छूट मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको बिजली बिल जमा करने पे 2 से 2.5% का छूट मिल सकता है। तो यहाँ पे आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और जिस भी कंपनी का आप बिजली बिल यूज़ करते हैं उसके वेबसाइट पर आप चले जाएँगे। तो हम जो है नॉर्थ बिहार का यूज़ करते हैं, तो अगर आप साउथ बिहार का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे उनका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी बाद जो प्रोसेस रहेगा सेम प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे इस पेज पे हम आ जाते हैं और आने के बाद ये जो देखिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, तो हम नॉर्थ बिहार पावर का बिजली बिल यूज करते हैं। अगर आप साउथ बिहार पावर का यूज करते हैं तो इसी तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बिजली बिल देखना आपका कितना आया है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है इंस्टेंट पेमेंट का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और व्यू एंड पे बिल पे आप क्लिक करेंगे। और ऐसा करने के बाद आपको कहा जाएगा कि यहाँ पे देखिए कृपया उपभोक्ता संख्या इंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप उपभोक्ता संख्या इंटर करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। उपभोक्ता संख्या यानी कि कंज्यूमर नंबर यानी कि सीए नंबर, तो ये आपके रसीद में मिल जाएगा, बिजली बिल में मिल जाएगा। तो इस पेज को ऊपर करेंगे, सीए नंबर रहेगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए कंज्यूमर का नाम रहेगा, उसके बाद यहाँ पे बिल मंथ रहेगा और किस मंथ का ये बिल है, उसके बाद ड्यू डेट रहेगा कब तक आपको ये ड्यू करना है, उसके आपको प्रीवियस पे अमाउंट देखिए यहाँ पे 1146 है जो कि मेरा अंतिम बिल भुगतान है, ये यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, जो कि मेरा पिछला बिल भुगतान जो है ये है। यहाँ पे अगर आपको बिल डाउनलोड करना है तो यहाँ पे व्यू बिल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पे आप ओरिजिनल वाला रसीद आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पेज को बैक कर लेते हैं। यहाँ पे अब देखिए आपको छूट कितना मिलेगा, अगर आप बिल राशि ऑनलाइन भुगतान करते हैं इतना तिथि के अंदर इतना डेट के अंदर तो आपको 1.12 की अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो मेरे में 1.12 है, किसी में 2% होता है, किसी में 2.5% भी छूट होता है। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करने के बाद मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए बिल डैश के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कन्फर्म पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आपके सामने में फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ओके पे आप क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद उसके बाद आपके सामने में ये पेमेंट मेथड खुलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है जो कि आप बिजली बिल पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यहाँ पे डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन से, नेट बैंकिंग से, क्यूआर कोड से, यूपीआई से। तो यहाँ पे बहुत सारा तरीका है जो कि यहाँ पे कर सकते हैं। पे यूपीआई से अगर आप पेमेंट करते हैं तो यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे। तो आपको जो भी इच्छा है उस तरह से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम इंटरनेट बैंकिंग से करेंगे, तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड देंगे, उसके बाद लॉगिन बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए थैंक यू आ गया है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हैं। और यहाँ पे चलिए होम बटन पे हम क्लिक करेंगे और होम बटन पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। जब आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट मेरा 0-0 हो चुका है। पहले यहाँ पे 46 रुपया दिखाया जा रहा था, अब लेकिन यहाँ पे देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए प्रीवियस अमाउंट जो है जो पहले 1146 रुपया दिखा रहा था यहाँ पे 46 रुपया दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से आप जो है बिजली बिल जमा कर सकते हैं। अगर आप जो जमा किया उसका करंट रसीद निकालना चाहते हैं तो व्यू बिल पे क्लिक करके आप करंट रसीद निकाल सकते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करके आप करंट रसीद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है बिजली बिल यहाँ पे भुगतान हो चुका है। और यहाँ पे आपको दिखा दे, यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे मेरा जो अंतिम भुगतान है वो यहाँ पे देखिए राशि 46 रुपया है। तो इस तरह से आप जो है बिजली बिल जमा कर सकते हैं। अगर आप समय से पहले यहाँ पे अगर आप जमा करते हैं तो आपको 2 से 1% तक 2.5% तक आपको छूट भी मिल सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भुगतान करने पर 1.12 का आपको छूट मिल सकता है।
तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे बिजली बिल जमा कर सकते हैं। समय से पहले आपको 1% 2% 2.5% तक भी छूट मिल सकता है। अगर बिजली बिल के रिकॉर्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1912, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर जानकारी कुछ भी अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, और कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।